राजस्थान में कोरोना संकट के बीच सियासी संकट भी गहराता जा रहा है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपनी पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। संकट इतना गहरा गया है कि कांग्रेस पार्टी के आला अधिकारियों को इस मामले में आना पड़ा है। राजस्थान से ऐसे संकट के विषय पर जब एक बहस हो रही थी तो कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी ने तंज कसते हुए कहा, मध्य प्रदेश में बड़े कद के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी पार्टी में चले गए हैं। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उन्हें कुर्सी पर बैठा दिया जाए। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ 22 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए, जिस वजह से कमलनाथ सरकार गिर गई और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शिवराज की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार सत्ता में वापसी की है। हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, इसके साथ ही विभागों का भी बंटवारा हुआ। तमाम चीजों को देखते हुए जहां पर राजस्थान में सियासी संकट गहराता जा रहा है, वहीं मध्य प्रदेश की तरफ भी कई तरह से इशारे किए जा रहे हैं, क्योंकि सिंधिया और सचिन पायलट की दोस्ती की भी बात की जा रही है। ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।